हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैट की केमिस्ट्री की जो सीरीज़ शुरू की गई है, तो उसके टेस्ट 13 को, तो फटाफट जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे केमिस्ट्री के पार्ट हम 13 को देखने वाले हैं। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़े, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसका आप जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। निम्न में से किसका आकार बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगर इन साइज। देखिए समूह में जो है, जब नीचे की ओर हम जाएंगे तो क्या होगा कि आकार बढ़ता है। तो यहाँ पे हम जो है किधर से जाएंगे, तो आपका सबसे ऊपर ऑक्सीजन जैसे आ जाएगा, उसके बाद सल्फर, उसके बाद एस ई आ जाएगा, और नीचे सबका टी ई आ जाएगा। तो क्या करते हैं कि समूह में नीचे की ओर जाने पर, यानी इससे बड़ा जो है इसका, फिर इधर, यानी जो सबसे नीचे है उसका आकार जो है सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। कौन आयनन ऊर्जा का सही क्रम है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं आयनन ऊर्जा का सही क्रम, तो आपका कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखना इसका। तो यहाँ पे जो है आवर्त में जो है आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती है। आप जो है अगर इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बेरियम, बोरान, बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की तरफ आप जब चलेंगे। आयनन विभव के संदर्भ में निम्न में से सही क्रम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनन विभव के बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो ये आपका पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, यूरेनियम, पोटेशियम और सीजियम। साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन एज। तो साइनाइड आयन कौन है, नाभिक स्नेही जो होते हैं वो कैसे होते हैं, साइनाइड आयन होते हैं, न्यूक्लियस अफिक्सनेट। प्रश्न, एमोनियो तथा COOH दोनों समूह वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ एमोनियो एंड COOH ग्रुप्स आर कॉल्ड। तो इनको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इनको हम कहेंगे एमिनो एसिड कहा जाएगा, एमिनो अम्ल कहा जाएगा। निम्न में से एक डिग्री एमीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन डिग्री एमीन। तो कौन रखता है यहाँ पे एक डिग्री एमीन, जो है यहाँ पे एथिलीन डाई एमीन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ब्यूटेन टू ऑल है, ब्यूटेन टू ऑल इज। तो ब्यूटेन टू ऑल जो है वो क्या है, आपका द्वितीयक एल्कोहल है। अगर आपका केवल मेथेनॉल लिखा रहता तो ये कैसा हो जाता, ये प्राथमिक एल्कोहल हो जाता। तृतीयक एल्कोहल की अगर आप बात करेंगे तो मेथिल प्रोपेनॉल टू, प्रोपेनॉल टू, और यहाँ पे जो है ऑल कर लेते हैं, तो ये कौन सा हो जाता, तृतीयक हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। पिक्रिक अम्ल है,
पिक्रिक एसिड इज। तो पिक्रिक अम्ल आपका है कौन इसमें से, देखिए पिक्रिक अम्ल में आपका बनता क्या है, जैसे इस प्रकार से आपका सेफ रहेगा, है ना। अब यहाँ पे ऊपर जो है OH लगा रहेगा, ध्यान रखना OH यहाँ पे लगा है, उसके बाद यहाँ पे N और O2 आपका लगा है, उसके बाद एक आपका अल्टरनेट छोड़ना है यहाँ पे, यह फिर NO2, और यहाँ से फिर आपका अल्टरनेट एक छोड़ना है और यहाँ पे आपका NO2 हो जाएगा। अब आप जिधर से काउंटिंग करना चाहें उधर से आप काउंटिंग कर सकते हैं। आप इधर से करेंगे तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ, और ये आपका सिक्स हो जाएगा। अगर इधर से करेंगे तो ये टू, इधर से फोर, और इधर से सिक्स हो जाएगा। जैसे आप चाहो वैसे आप कर सकते हो। तो इसका जो नाम हो जाएगा 2,4,6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रो लगे हुए कितने लगे हुए हैं, तीन लगे हुए हैं, ठीक है, और फिनॉल आपका OH दिखा रहा है यहाँ पे, तो ट्राई हो जाएगा, और नाइट्रो आपके तीन हैं तो ट्राई नाइट्रो और फिनॉल OH यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है पूरा मिला के, ठीक है। प्रश्न एक क्रिसॉल है, क्रिसॉल के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्रिसॉल आपका फिर से वैसा ही स्ट्रक्चर बना देंगे जब ही जो हमने बनाया था, इस प्रकार से क्रिसॉल बना। तो एक आपका OH यहाँ पे लग गया और यहाँ पे CH3 लग गया, तो ये आपका किसका फार्मूला बन के आ गया, एक क्रिसॉल का है, यानी आपका हाइड्रोक्सी टालुइन हो जाएगा। कार्बन का प्रतिशत किसमें अधिकतम है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम इन। तो कार्बन का जो प्रतिशत सबसे अधिक किसमें होगा, देखिए पायरीन की अगर आप बात करेंगे तो CCl4 आप लिखो पायरीन, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका कार्बन का तो पता ही है कितना होता है 12। इसका जो फार्मूला पहले तो बताना चाहिए कि ऊपर जो हमारा निकलेगा यहाँ पे परसेंटेज बराबर कार्बन का परसेंटेज बराबर ऊपर जो हम लिखते हैं कार्बन का द्रव्यमान लिखते हैं, और नीचे जो है हम क्या लिखते हैं पदार्थों का द्रव्यमान लिखेंगे, और गुड़े फिर यहाँ पे सो कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे कार्बन जो हम पहले वाले निकाले CCl4 में, ऊपर जो हमारे जो है क्या है कि द्रव्यमान जो है कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और जो पदार्थों का यहाँ पे 154 हो जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो जब इसको 100 से गुणा करके आप डिवाइड करेंगे तो 7.79% आपका आएगा समथिंग में, ओके डेसिमल में। अब दूसरे की तरफ गैमेक्सियन की तरफ बढ़ते हैं, तो C6H6 और Cl6 होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कार्बन आपका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन जो द्रव्यमान संख्या है वो आपसे पूछी गई, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी, और नीचे कितनी हो जाएगा 291, और 100 से मल्टीपल करना है, तो इसको जो आप डिवाइड करेंगे तो 24 के समथिंग आएगा, ठीक है, 24 के अराउंड में आपका आएगा 24.7। और एथिल ग्लाइकॉल आपका है, इसको भी ले लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा CH2OH, तो इसके लिए क्या बन के आएगा, तो यहाँ पे 24 और 62 इंटू 100 हो जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसके पास क्या आएगा 38 आएगा, ठीक है। पॉलीविनाइल आपका यहाँ पे उसमें नहीं आएगा, 38 सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, एथिल ग्लाइकॉल का। तो इसको ध्यान रखना है कार्बन का द्रव्यमान बटे पदार्थ का यहाँ पे द्रव्यमान गुणे 100। प्रश्न है पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करने वाला सूत्र कहलाता है, द फार्मूला शोविंग द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मोलिकुलर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं मूलानुपाती सूत्र कहा जाएगा। किसी यौगिक के कणों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, व्हाट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन
अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड, तो उसमें हम क्या कहेंगे यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसको हम यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र ना कह के क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं, जो वास्तविक संख्या को बताता है। एक यौगिक का प्रतिशत संगठन जो है कार्बन 90% तथा हाइड्रोजन 10% है, इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज कार्बन 90% एंड हाइड्रोजन 10%, द प्रोपोर्शनल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। तो यहाँ पे जो है मूलानुपाती सूत्र हमसे पूछा गया है, तो देखिए कार्बन कितना है 90% है, कार्बन कितना 90% है। अभी 90 का बाई 12 करेंगे क्योंकि 12 आपका यहाँ पे जो है क्या है कार्बन का द्रव्यमान दे रखा है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.5 के आसपास आएगा, ठीक है 7.5 आएगा। अब यहाँ पे जो सरल अनुपात इसका बन कर आएगा वो 7.5 जो आपका यहाँ पे है उसी से आपको इसको डिवाइड भी करना है, ओके तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आपका CO2, ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा केवल। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितना है 10% है, तो 10% हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे कितना है 10 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इसको जो डिवाइड करना है 10 को इसी से डिवाइड करना है 7.5 से, तो कितना आएगा 1.3 के आसपास आएगा, ठीक है और इसमें 3 से मल्टीपल जब करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 3 × 3 और यहाँ पे 19.3.99 आएगा, तो हम उसको 4 सीधे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 आया है और यहाँ पे 4 आया है, तो हमारे पास क्या आ गया 3 और 4, यानी कार्बन जो हमारा कितना है 3 है और हाइड्रोजन जो है 4 है, यानी CH3H4, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो प्रश्न है इसको देखिए और जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 36% तथा हाइड्रोजन जो 6%, पिछले बार की तरह क्वेश्चन लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा दिख रहा है ऑक्सीजन दे रहा है। देखिए कार्बन का अब यहाँ पे जो आप निकालेंगे तो 36% के हिसाब से निकालेंगे, तो 36% के हिसाब निकालो तो 36/12 हो गया, तो कितना आ गया 3 आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है इसको जो है सरल और में बदलेंगे तो 3/3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसके लिए 6% दे रखा है तो 6/1, तो कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया। अब इस 6 को किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन दे रहा है। देखिए अब यहाँ पे 36 और 6 करेंगे तो 42 हो जाएगा, तो बचा कितना 58%, यानी ऑक्सीजन कितना है 58% है। अब इस 58 को किससे हम डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन का होता है कितना 8×2 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 से इसको जब डिवाइड करेंगे 3.62 के आसपास आएगा, ओके 3.62 को आप जब डिवाइड करोगे तो हम इसको या तो 3.62 लिखते हैं और 3 से, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स में 1 आ जाएगा, ठीक है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1:1 आ रहा है, तो 1:2 मतलब कार्बन जो 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। बोरिक्स बीट परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इन द बोरिक्स बीट टेस्ट। तो इसमें क्या बनता है कि पहले तो हमारा जो है बोरिक्स का Na2B4O7 और इसमें जो है 10H2O, अब यहाँ पे जो हमें रिएक्शन कराना है 10H2O को यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है 10H2O को यहाँ पे निकालते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा अब यहाँ पे Na2B4O7। अब इसको हम देते हैं हीट, यानी इसको हम करते हैं गर्म, तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा Na और BO2 आ जाएगा, ठीक है Na BO2 आ जाएगा प्लस में जो है B2O3 हो जाएगा, ठीक है तो इसका ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे देखिए 2×2 4 आपका 7, 4×3 7 आपका हो जाएगा, फिर से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बी है। अब इस B2O3 का जो है हम किसके साथ मल्टीपल करते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ,
इसके साथ जब इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास निकल गया CuBO2। तो यही BO2 जो है यहाँ पे आपका क्या है, ये मेटाबोरेट होता है का, यहाँ पे जो है कापर मेरा मेटाबोरेट हो जाएगा, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, कापर मेटाबोरेट हमें यही जो है निकालना था। बाकी देख लीजिएगा कहीं अगर बैलेंस नहीं होगा तो उसको कर लीजिएगा, बाकी मैंने कोशिश उसको ध्यान दिया कि पूरा बैलेंस रहे। प्रश्न है, धातु जो सुहागा मन का परीक्षण नहीं देती है, द मेटल विच डज नॉट गिव आर्सेनिक टेस्ट। तो यहाँ पे धातु जो सुहागा मन का नहीं देती है रिजल्ट के तौर पर वो कौन है, तो यहाँ पे Pb हो जाएगी, सीसा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना कौन, सीसा। तो बोरिक्स परीक्षण जो है सामान्यतः क्या देते हैं, संक्रमण तत्व दिया करते हैं, यहाँ पे मन का वही था बोरिक्स टेस्ट वाला, ठीक है। निम्न में से कौन रंगीन यौगिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कलर्ड कंपाउंड। तो रंगीन यौगिक किसमें कौन है, CuF2 हो जाएगा, ठीक है, CuF2। की K4FeCN6, मतलब होल टाइप्स का 6 दे रखा है। तो यहाँ पे इसका पूछा जा रहा है किसके बारे में कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो है होता क्या है कि CN बंधित है द्वितीयक संयोजकता से, CN इज बॉन्ड बाई सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये थ्योरी के क्वेश्चंस हैं तो ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन रहेंगे, थ्योरी के भी रहेंगे। प्रश्न है, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट में कॉपर की उपसह संयोजन संख्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट इच। तो कितनी होती है यहाँ पे इसकी संख्या, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, ध्यान रखना कितना, 4 होगी, वो भी प्लस वाली 4, माइनस का 4 नहीं करना है, प्लस का 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बाइवेलेंट लिगेंड इन कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कौन करता है यहाँ पे, अगर राइट आंसर की आप बात कर रहे हैं तो ऑक्सीलेट करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब करेंगे सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम इज। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर देखें, क्रोमियम हमारा प्लस, पहले पहले हम नॉर्मल क्रोमियम अगर देखें तो यहाँ पे 3d5 होता है, और तो यहाँ पे 3d5 और यहाँ पे जो है 4s1 होता है, तो इसके लिए एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 5 खाने बनाएँ तो ये सिंगल सिंगल सब में हो जाएंगे और इसमें एक हो जाएगा। अब हमारा क्रोमियम प्लस कह रहा है, तो क्रोमियम प्लस का मतलब है कि जो लास्ट में होगा वो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, चला जाएगा। तो सब में देखिए सिंगल तो बचा है, लेकिन ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था उसको क्या कर दिया गया, त्याग दिया गया, मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। तो अनपेयर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई है। केवल अगर क्रोमियम देता तो 6 रहता, लेकिन उसने जो नॉर्मल क्रोमियम ना देके उसने जो क्रोमियम प्लस दे रखा था। क्रोमियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज। तो जो उसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वही तो वो है यहाँ पे, ठीक है, जो उसके अंतिम उपकोष में बात करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने देखा था तो 5 ए हो गए और एक ए 6 ही तो बच रहे हैं, यानी वही आंसर डी है। अगला प्रश्न देखिए और सही उत्तर इसका करेंगे कि सही उत्तर क्या है।
संक्रमण तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रांसिशन एलिमेंट? तो यहाँ पे जो है व्यत क्रियाशील ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वे परिवर्तित अक्षर संख्या दिखाते हैं, ए भी सही है आपका। उनके गलनांक कम होते हैं, उनके उच्च होते हैं। धन विद्युतीय होती है, कोई पक्का नहीं है कि सभी जो धन विद्युतीय हैं, कुछ आपकी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ निगेटिव भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर धन विद्युतीय सभी होंगे तो उच्च नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कुछ निम्न भी हो सकते हैं, कुछ मध्यम हो सकते हैं, उच्च सभी नहीं होते हैं। ऋणात्मक वालों तो एक साइड का रखा गया है, लेकिन आपके उच्च धनात्मक सब नहीं होते, ठीक है। पोटेशियम की तुलना में सोडियम, सोडियम कंपेयर टू पोटेशियम, तो पोटेशियम की तुलना में जो सोडियम होता है उसका जो है आयनन विभव कैसा होता है? अधिक होता है। तो सोडियम का जो आयनन विभव उच्च होता है, क्योंकि होता क्या है कि इसका जो आकार होता है, जो परमाणु आकार होता है कैसा होता है? छोटा होता है, और पोटेशियम का जो है बड़ा होता है। इसलिए जो है यहाँ पे पोटेशियम की तुलना में सोडियम का आयनन विभव कैसा होता है? अधिक होता है। पोटेशियम को रखते हैं किप्स पोटेशियम, तो पोटेशियम को रखेंगे कहाँ? देखिए, एल्कोहल से रिएक्शन ही कर लेगा, जल से भी रिएक्शन कर लेगा, लेकिन मिट्टी के तेल यानी केरोसिन से रिएक्शन नहीं करता, द्रव अमोनिया से भी रिएक्शन कर लेगा। तो यानी तीनों से तो रिएक्शन कर लेगा, केवल मिट्टी के तेल में जो है केरोसिन से रिएक्शन नहीं करता। होता क्या कि जितनी भी क्षार धातुएँ होती हैं वो उच्च क्रियाशील होती है। अभी जस्ट पीछे देखा था यहाँ पे जो है संक्रमण तत्व के बारे में कहा जा रहा था, तो संक्रमण तत्व हमारे जो है यहाँ पे जस्ट इसके बीच वाले में, तो ये अतिक्रियाशील, तो ये हमारा गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि एल्कोहल, जल और द्रव अमोनिया, इन सबसे जो है पोटेशियम रिएक्शन कर लेता है, इसलिए जो इसको हम कैरोसिन में रखते हैं। तो यानी सभी जितने भी क्षार धातुएं हैं उच्च क्रियाशील होती हैं, और ये जो है आपका एल्कोहल, जल और अमोनिया सभी से जो क्या कर सकती है? रिएक्शन करती हैं, इसलिए इनको कैरोसिन में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। ओके, आपका इसमें जो सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जो बार बार पूछा जाता है, उसके बाद पोटेशियम का नंबर भी इसी में है। तो आपका वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे। फाइनल एग्जाम विद आशीष सर, थैंक यू।